ऐसे लगेगा, यहाँ से दो स्क्रू लग जाएंगे। तो कभी भी हमको फैन खोलना हो तो हम फैन खोल सकते हैं। हाँ, ये फॉग चालू करेंगे तो देखो इसका पंखा चालू। है फैम व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? और नया दिन नई शुरुआत के साथ, तो आज मैं आपको न्यू व्लॉग बताने वाला हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, तो हमारा न्यू कंटेंट मिल गया है और न्यू कंटेंट अब कंटिन्यू इंशाल्लाह चालू रहेगा। तो हम लोग आज बनाने वाले कुछ नया, जो सोचा है मैंने, इंशाल्लाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी थोड़ा सा देखो बनाता हूँ वेस्ट में से, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह वेस्ट में से मैंने बनाया और किस तरह बनाता हूँ मैं। हमको जाना है अनस भाई के, अभी पहले हम जाएंगे सुबह, क्या अभी बजे है 8, और अभी क्या ज़्यादा भीड़ भीड़ नहीं है। अभी घर दुकान पहुँच जाएंगे, शॉप पहुँच जाएंगे, थोड़ा साफ़ सफाई करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर अनस भाई की शॉप पर जाएंगे, फिर वहाँ से ला के अपनी शॉप पर लेकर आएंगे, अपनी शॉप पर लेकर आएंगे। और यहाँ से लगता है पीछे रास्ता वहाँ बंद है, वापस से जाना पड़ेगा। तो हम लोग हमारी शॉप पे पहुँच कर आपको व्लॉग बताते हैं कि न्यू व्लॉग आया है। और आप लोग यार वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो यार, आप लोग सपोर्ट करोगे तो आपके भाई को मज़ा भी आएगा आगे काम करने का। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो पहले ही आपका भाई टूट जाएगा, ठीक है? तो आप लोग सपोर्ट करो, मुझे ऐसा बोल रहे सपोर्ट करेंगे सपोर्ट करेंगे, बाकी सपोर्ट तो कर नहीं रहा, आगे वीडियो शेयर तो कर ही नहीं रहे हो आप लोग। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट भी करो। तो चलो शॉप तो आ गई है, बस शॉप पहुँचते, देखो ये आ गई शॉप हमारी। और अभी यहाँ से काम पता के फिर अनस भाई की शॉप पर जाएंगे। हे फैम व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? तो न्यू कंटेंट जो मैंने आपको बोला था कि न्यू कंटेंट लेके आने वाला हूँ मैं, तो न्यू कंटेंट लेके आ गया हूँ। और जो रेडिएटर है, तो रेडिएटर जो हमारा 220 अंदर रेडिएटर आगे होता है लिक्विड कूल्ड, तो उसका आज हम पार्ट बनाने वाले हैं। तो वो वेस्ट में से ही बनाएंगे हम, तो बताओ, चलो आपको बताता हूँ मैं किस में से बनाने वाला हूँ और सब प्रोसेस बताऊँगा पूरी, तो वीडियो देखते रहो आगे। तो देखो ये जो जाली दिख रही है, ठीक है, ये जाली है एयर फिल्टर की, जो आइसर पिकअप में आती है एयर फिल्टर, ये वेस्ट है। और दूसरा क्या है कि यहाँ से जो यहाँ से ये अनस है, अनस की शॉप पे जो काम होता है ना, और यहाँ से जो वेस्टेज निकलता है ना, वो वेस्टेज यहाँ पड़ा रहता है। तो ये वेस्टेज में से अपने बनाने वाले कुछ नया, ये जो तेरा ये सामान पड़ा है क्या, वो वेल्डिंग लगा? अरे ये जो यहाँ पे पड़ा है, ये पतरा पड़ा है, तो ये वेस्टेज में ये ना जो टुकड़ा पड़ा है, तो वेस्टेज में यूज़ करूँ ना? चलो ठीक है, बोलो जुबा केसरी। मार, का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। कुछ इस तरह की देखो, हमने धार वाली है, और धार वाली नहीं है, डिजाइन करी है सुबह इसके ऊपर, ये लीटे मारे और अब इसके इसमें धार वाल देंगे। धार वालेंगे, दिख रहा मेरा मोबाइल, ये क्या हुआ? अब इसकी ये वाली धार वालेंगे। कुछ इसी तरह बन के आई है और इसका कुछ अलग से बनने वाला है, तो वीडियो में आगे देखते रहो कि इसका क्या बनाने वाला हूँ। तो इस तरह का देखो, हमने चार पीस काट लिए और इसके अंदर हमारी जो जाली है, इसके अंदर ये जो पौना हमने पौना इंच रखा है और एक इंच ये रखा है, और दस आनी मतलब, हाँ चलो दस आनी मतलब आधा ने एक दोरा ये सामने था रखा है। और इसका कुछ बनाएंगे, जाते हैं शॉप पे, तो शॉप पे जाके बनाएंगे। तो चलो,
तो देखो सब सामान हमने ले लिया है और हमारी जाली भी कट गई है और ये थोड़े काम के भी चीज़ हमने ले ली और ये पट्टी भी, देखो ये वेस्ट भी काम में आने वाला है, ये सब काम में ले लिया अनस की शॉप से हमने। से जाते हैं दुख शॉप पे और काम पूरा करते, चले जाऊँ मैं जरा। तो शॉप पे आ चुके और अब गाड़ी हमारी जो बाइक है उसको लेके आते इधर और इसका काम शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका भी बनाते हैं, चलो आपको बना के बताता हूँ कि मैं क्या बनाता हूँ, फिर फिटिंग करके बताता हूँ। तो ये रेडिएटर की देखो हमने कंप्लीट फ्रेम बना ली और इसके अंदर जाली रख दी। अब ये जाली को देखो, हम इसको जाली को वेल्डिंग तो नहीं कर सकते, बहुत लाइट जाली है, तो इसको वहाँ रख के वेल्डिंग कर देंगे तो कम्प्लीट हो जाएगी। फिर इसको लगाते हैं हम हमारी बाइक में, तो चलो बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये कम्प्लीट वेल्ड हो गया है सब जगह से और अभी थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको ज़रा हम लोग ग्राइंडिंग कर देंगे। और ये क्या है वो आपको, आपने आगे देख ही लिया होगा कि क्या है, पर धीरे धीरे प्रोसेस देखो मैं किस तरह इसको बना रहा हूँ। अभी इसके अंदर एक चीज़ लेके आता हूँ मैं, तो चलो एक चीज़ लेके आते इसके अंदर लगाने के लिए। कबाड़ी में आए हमारे भाई के पास, दिलीप भाई। कैसा दिलीप भाई, मौज दिलीप भाई आज गाड़ी काट रहे हैं और दिलीप भाई के पास हमें पंखा ले फैन लेना है, बस वो फैन ले गए इसके अंदर लगाते और आपको बता देंगे कैसे प्रोसेस है और कैसे चलेगा, उसका वायरिंग भी आपको बताए। चलो ये कंप्यूटर का पार्ट है देखो, और इसके अंदर से हमने ये फ़ैन निकाला। ये तो ये एल्यूमिनियम तो हमने एक्स्ट्रा लगाया, बाकी इसके अंदर से फ़ैन निकला था, तो ये एल्यूमिनियम इसके अंदर एडजस्ट करा है। एक दूसरे के दूसरा फ़ैन था मेरे पास, देखो वो फ़ैन पड़ा था, वो टूटा हुआ, और वो फ़ैन में से ये फ़ैन सेटिंग करा है। और आगे बताता हूँ आपको, ये फ़ैन है देखो, अब इसके अंदर इसको सेटिंग करना है एयर के लिए। चलो तो ये देखो, ये फ़ैन अपनों ने लगाया है, इसके पीछे एल्यूमिनियम फिट कर दिया है और यहाँ से देखो एक सॉकेट कंप्लीट वायरिंग के साथ, और ये यहाँ लगेगा इसके पीछे, यहाँ लगेगा और हमारा फ़ैन चलेगा। हमारा फ़ैन चलेगा तो ये अंदर कूल इसको हवा देगा, ठंडा करेगा, ये अंदर का जो गर्मी है ये फटाफट से बाहर खेत फेंकेगा और इसको एल कूल देगा। ऐसा नहीं लगेगा, ये ऐसे लगेगा, देखो ये ऐसे लगेगा, यहाँ से दो स्क्रू लग जाएंगे, तो कभी भी हमको फ़ैन खोलना हो तो हम फ़ैन खोल सकते हैं। फाइनली जो हमने रेडिएटर लगाया देखो वो लग चुका है, इसके अंदर फ़ैन है और ये कूल का काम करेगा। ये यहाँ से देखो इसके अंदर सॉकेट सिस्टम लगाया हुआ है, यहाँ से सॉकेट है, और जब हम ये फॉग लैम्प चालू करेंगे, हाँ ये फॉग चालू करेंगे तो देखो इसका पंखा चालू हो जाएगा और जो इसके अंदर जो एयर है जो गर्म वो बाहर फेंकेगा फटाफट। देखो कितना फास्ट चल रहा है ये, मेरा हाथ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बहुत ये बहुत फास्ट चल रहा है। और इसके अंदर से मैं लाइट लगाने वाला हूँ इसके अंदर, ये फ़ैन चलता हुआ दिखेगा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि दो क्लेम या ऊपर से बोल्ट यहाँ दे दिए और एक बोल्ट यहाँ एडजस्ट कहीं नहीं है, तो हमने देखो ऐसी पट्टी ले के यहाँ से बीच में से एडजस्ट बनाएंगे इसका, जो आगे पीछे जब भी हमको करना हो जैसे इतना आगे या इतना पीछे तो उससे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये चेचिस पे ये बोल्ट को वेल्डिंग करेंगे, तो चलो आपको बताता हूँ वेल्डिंग करके। तो फाइनली देखो हमारा रेडिएटर जो है वो लग गया है, वो साइड में बाद में कवर कर देंगे, था कोई पार्ट्स मिलेगा तो मैं उसको साइड में ये कवर कर दूंगा, पर दूर से कैसा लग रहा है देखो। और जब मैं ये स्विच ऑन करूंगा और यहाँ की जो मेरी लाइट की, तो पंखा चलने लगेगा। ये रात के लिए, रात को ज़्यादा हीट होगी ना गाड़ी, सब चीज़ के हिसाब से। और इसके अंदर देखो यहाँ लगाया है केबल, सब केबल में कनेक्ट किया है, ये तो चालू ऐसे ही केबल है, बाकी केबल में मैंने कनेक्ट किया है तो सब इससे चलेगा।
और इसके अंदर एक हॉर्न भी सेट कर दिया उधर तरफ, देखो एक हॉर्न भी सेट कर दिया। तो आप लोगों ने देखा होगा ये किस तरह मैंने सेट किया है, बस वेस्ट में से कुछ ना कुछ बनाया अच्छा लगेगा। और इसके साइड में भी जो हमारे जो हमने पार्ट्स बनाए थे वो भी आएंगे, तो भी बहुत सारा अच्छा लगने वाला है। अभी तो ऐसा लग रहा है बाकी ये सब बाजू में सब साइड में जो पार्ट्स लगेंगे ना तो बहुत ज़ोरदार बनने वाला है, और दिखने वाला सॉरी दिखने वाला बहुत ज़ोरदार है। तो जल्दी से इसके पाउडर कोटिंग का काम चालू करेंगे, हम लोग ब्लू पाउडर कोटिंग करवाएंगे इसके अंदर। अभी इसके अंदर एक और काम बाकी है, जो हमने गार्ड लगाया था आगे का, जो हमने टेल बनाई थी आगे मतलब आगे का पंखा बनाया था वो निकाल लेंगे, और दूसरा पार्ट ऐसा बनाएंगे उसके लिए कुछ सोचा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो तब तक के लिए बाय बाय।